3D ग्राफिक्स के कुछ और क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं हम। मॉडलिंग क्या होती है, व्हाट इज मॉडलिंग? अगर कोई भी साइंस देखे आप, जैसे अगर आपको फ्लाईओवर बनाना है तो आप क्या करते हैं, पहले इसका मॉडल बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनानी है उसका मॉडल बनाते हैं। तो मॉडलिंग वही होती है जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स का 3D सीन्स में, यही कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी इसे हम मॉडलिंग ही बोलते हैं। मॉडल क्या बताते हैं, क्या दिखाते हैं? ये फॉर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट दिखाते हैं, लेकिन इसकी मटेरियल प्रॉपर्टीज कैसे ये मूव करते हैं इसमें मॉडल कुछ नहीं कहता है। जैसे आप मैलेबल मटेरियल है, क्ले है, वैक्स है, ये चीजें आपको फैशन और शेप ये आपको नहीं मिल पाएगा इसमें। दूसरा ये है कि इस तरीके से इसको समझिए कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट या फिनोमेना को किसी तरीके से आप मैथमेटिकल इक्वेशन में के जरिए अगर आप दिखा सकें। स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग 3D ऑब्जेक्ट्स इन अ कंप्यूटर, अगर 3D ऑब्जेक्ट को किस तरीके से आप कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें CAD है, CAM है, एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, वो सारे आपको मॉडलिंग देते हैं। ब्लेंडर है, माया है, ये सब आपको मॉडलिंग देते हैं। नोड क्या होता है? नोड कंप्यूटर साइंस में तो नोड एक एब्स्ट्रैक्ट कंटेनर है इंफॉर्मेशन का, और नोड में एट्रीब्यूट्स होते हैं जो स्टोर करते हैं डेटा को। 3D ग्राफिक्स में अगर देखें तो नोड का मतलब ये है, नोड्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ नेटवर्क, जिसे हम कहते हैं एक सीन ग्राफ, इसे हम सीन ग्राफ कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग सॉफ्टवेयर है माया में, आप अलग अलग तरीके से इसको बना सकते हैं। प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट जैसे स्फीयर 3 नोड से बनता है, वहां पे हर एक के पास डिफरेंट डेटा होता है, जैसे प्रिमिटिव नोड है, शेप नोड है, ये ट्रांसफॉर्म नोड है। नर्व्स क्या होते हैं? NURBS, इसका फुल फॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म रैशनल बेसिस स्प्लाइन। नॉन यूनिफॉर्म रैशनल बेसिस स्प्लाइन, इसका मतलब स्प्लाइन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ये एक तरीके का स्प्लाइन कर्व ही है, जिसमें जो कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं वो वेटेड होते हैं, बिजी स्प्लाइन जैसा। तो नॉन यूनिफॉर्म रैशनल बेसिस स्प्लाइन एक मैथमेटिकल मॉडल है जो कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूज होता है, ताकि आप कर्व्स या सरफेस जनरेट कर सके। तो इसका भी काम वही है। इसमें क्या है कि काफी आपको फ्लेक्सिबिलिटी और प्रिसीजन मिलता है, ताकि आप एनालिटिक या एनालिटिकली सर्फेसेस विच आर डिफाइंड बाय कॉमन मैथमेटिकल फॉर्मूला, और आप मॉडल कर सकें शेप्स को। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है? हमने पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन देखा था पहले। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यानी कि सब कुछ परपेंडिकुलर होगा। कोई ऑब्जेक्ट मैंने जैसे रख दिया यहाँ पे, तो इसको सामने से देखा जाएगा, जैसे हम फ्रंट व्यू कहेंगे, ऊपर से देखा जाएगा, साइड से देखा जाएगा, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ये भी एक मीन है, ताकि आप 3D ऑब्जेक्ट को 2D डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर सके। ये एक पैरेलल प्रोजेक्शन है, जहां पर सारी प्रोजेक्शन लाइन जो होती है वो ऑर्थोगोनल होती है प्रोजेक्शन प्लेन के। देखा, ये प्रोजेक्शन प्लेन है आपका ऐसे करके, तो ये सारी इसके ऊपर ये सारी पैरेलल होंगी और ऑर्थोगोनल होंगी इस प्लेन से, अपने आप में तो पैरेलल होंगी। तो आपको हर एक प्लेन जो सीन का है वह फाइन ट्रांसफॉर्मेशन व्यूइंग सरफेस के हिसाब से मिलेगा। एक फ्लैट 2D व्यू 3D ऑब्जेक्ट का, इसे भी हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहेंगे। जो टेक्निकल ड्राइंग्स है, ब्लूप्रिंट है, फ्लोर प्लान्स है, ये सारे आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ही मिलेंगे। 3D प्रोग्राम्स में ऑर्थोग्राफिक व्यूज में आपको, जैसे मैंने बताया, फ्रंट, टॉप और साइड, ये आपको मिलते हैं। और जो ऑर्थोग्राफिक व्यूज है वो हमेशा अलाइन होते हैं एक्सेस से, जो वर्ल्ड की कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से अलाइन होते हैं। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जो 3D पर्सपेक्टिव है, जो हमने इस तरीके से पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन देखा था, वो डिस्टॉर्शन पैदा करता है साइज में, प्लेसमेंट में या डिस्टेंस में। लेकिन ऑर्थो व्यू में, जैसे पर्सपेक्टिव व्यू में होता था, यहाँ पर कोई डिस्टेंस या डेप्थ के बारे में बात नहीं होती, डिस्टेंस डेप्थ नहीं होता यहाँ पर। और क्योंकि पर्सपेक्टिव में क्या होता था कि जितना दूर होगा उतना ऑब्जेक्ट छोटा दिखाई देगा, आप अपनी आंखों से देखिए, जो भी आपको दिख रहा है ना वो पर्सपेक्टिव व्यू होता है, ऑर्थोग्राफिक ऐसा नहीं होता। पैरेलल लाइंस हमेशा जो उसमें होती है वो कन्वर्ज होती है, किसमें? पर्सपेक्टिव में। यहाँ पर जो सिमुलेटेड रेज है लाइट की 3D सीन में, जिसे हम लाइन ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, वो सारी कन्वर्ज होती है वर्चुअल कैमरा लेंस में। लेकिन ऑर्थो व्यू में क्या होता है, ये बात मैं कर रहा हूँ पर्सपेक्टिव की, जो साइज है ऑब्जेक्ट का जो व्यू में दिखाई देगा वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। दो ऑब्जेक्ट सेम साइज के होंगे कितने भी दूरी पर क्यों ना हो, और पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन पैरेलल, दे डू नॉट कन्वर्ज एनीवे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। और जो स्क्रीन है, जिसमें मैंने आपको बताया, उससे हमेशा ये पैरेलल लाइंस राइट एंगल बनाएंगे 90 डिग्री।
पार्टिकल सिस्टम क्या होता है? पार्टिकल सिस्टम ये भी एक प्रोसीजरल एनिमेशन है जो आपको फजी फिनोमेना जैसे क्लाउड या फायर इनका उनको दिखाने में मदद करता है। एनिमेशन के लिए भी बहुत जरूरी है, जैसे फ्लॉक ऑफ बर्ड एनिमेट हो रहे हैं उसके लिए भी पार्टिकल सिस्टम है आपके पास। पैच क्या होता है? पैच ये एक डिफॉर्मेबल पैरामेट्रिक सरफेस है ताकि आप कर्व्ड ऑब्जेक्ट दर्शा सके। तो ये विजुअल में भी हो सकता है, नर्व्स मैथमेटिक्स में भी हो सकता है, और जो कंट्रोल वर्टिसेस है उनकी पोजीशन पे डिपेंड करता है कर्वेचर इसका। पर्सपेक्टिव जैसे हमने देखा, पर्सपेक्टिव क्या होता है? ये एक रिप्रेजेंटेशन है सीन का जहां पर पैरेलल लाइंस कहीं ना कहीं जाके कन्वर्ज होती है ताकि आपको एक डेप्थ या डिस्टेंस जो आपकी आंखों से कितना डिस्टेंस है उसका एक अनुमान लगा सकते हैं। ऑर्थोग्राफिक व्यू जैसे होता था इसका, इसका पर्सपेक्टिव व्यू का भी काम यही है कि वो 3D सीन को 2D स्क्रीन पे दिखाता है, लेकिन पर्सपेक्टिव व्यू में जो लाइन से प्रोजेक्शन की वो वर्चुअल कैमरा में जाके कन्वर्ट हो जाती है। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन एक ऐसे टाइप है ड्राइंग की जो आपका ग्राफिकली अप्रोक्सीमेट करती है प्लानर सर्फेस पे जैसे पेपर पे, किसको? 3D डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को, ताकि आपका जो एक्चुअल विजुअल अपीयरेंस है, क्योंकि आप कैसे देखते हो, आप तो पर्सपेक्टिवली देखते हो अपनी आंखों से, उसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। इसको हम पर्सपेक्टिव व्यू भी कहते हैं, पर्सपेक्टिव ड्राइंग भी कहते हैं, या पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। पिवट पॉइंट क्या होता है? पिवट पॉइंट या पिवट पॉइंट सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, इसका सेंटर ऑफ द पॉइंट ले लिया और ये बता दिया। अब ये सेंटर जो पॉइंट है इसे हम लोकल या फिर हम ऑब्जेक्ट स्पेस कह सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो मूव करता है, रोटेट करता है, स्केल करता है, वो इसी पिवट पॉइंट के हिसाब से होगा, ओरिएंटेशन इसका इस पिवट पॉइंट के अनुरूप ही होगा। इसको हम एंकर पॉइंट भी कहते हैं। पिक्सल क्या होता है? पिक्चर एलिमेंट, पिक्चर एलिमेंट इसका शॉर्ट फॉर्म है। जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल एलिमेंट है पिक्चर में उसे हम पिक्सल कहते हैं। और डिजिटल इमेज, आपने देखा कि डिजिटल इमेज में हमेशा 2 ग्रिड में हम ये डिस्क्रीट जो नंबर्स हैं उसे हम पिक्सल कहते हैं, अरेंज है 2D ग्रिड में। और बहुत सारे जो आपके पिक्सल्स हैं वो सब ब्लेंड होते हैं आपकी आंखों में, तभी आपको एक इल्यूजन कंटिन्यूस अनब्रोकन इमेज का मिलता है। पिक्सल रेशियो क्या हुआ फिर? द प्रोपोर्शन ऑफ पिक्सल विड्थ टू पिक्सल हाइट। देखिएगा ये पिक्सल विड्थ और पिक्सल हाइट है, एस्पेक्ट रेशियो नहीं है। बहुत सारे केसेस में आपको जो पिक्सल्स है स्क्वायर ही मिलेंगे, वन स्टेट में जो इसमें से डब्बे मिल रहे हैं आपको, ये वाले ये सारे वन बाय वन मिलते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। लेकिन कई जगह ये आपको अलग नॉन स्क्वायर पिक्सल्स भी होते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा स्क्वायर पिक्सल ही होते हैं। और जितने भी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं वो स्क्वायर पिक्सल यूज करते हैं ताकि वो डिस्प्ले कर सके ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस को। अब पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन ये पॉलीगन है, ये भी एक पॉलीगन है। तो पॉलीगन एक क्लोज 2D प्लेन फिगर है बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड कोई अगर आप प्लेन फिगर बनाते हैं तो उसे हम पॉलीगन कहते हैं। पॉलीगन इनको कनेक्ट किया जाता है एक दूसरे से, देखिए ये दो पॉलीगन आपस में कनेक्टेड है ताकि आप एक मेश ऑब्जेक्ट या यू कैन क्रिएट अ मेश ऑब्जेक्ट्स लाइक दिस। कंप्यूटर ग्राफिक्स एप्लीकेशन में जो फेसेस हैं या पॉलीगन्स हैं ये आपस में एक दूसरे के जिसे हम सिनोनिम्स कहते हैं, पर ये एक दूसरे के समानांतर है कह सकते हैं। लेकिन कभी कभी जो फेसेस हैं वो ट्रायंगल के लिए ज़्यादा यूज होते हैं। पॉलीगन में अलग अलग ट्रायंगल होते हैं जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, जैसे स्क्वायर पॉलीगन में देखिए स्क्वायर अगर है तो इसमें दो ये आपके ट्रायंगुलर फेसेस हैं। प्रोसीजरल क्या होता है? प्रोसीजरल एक एल्गोरिथम जो जनरेट करेगा डेटा 3D ग्राफिक एप्लीकेशन में, जैसे आप प्रोसीजरल 3D टेक्सचर्स देखें, ये पैटर्न्स होते हैं जो मैपिंग ऑर्डर इनको नहीं चाहिए। प्रोसीजरल एनिमेशन ये मोशन जनरेट करते हैं और इसमें की फ्रेम्स होते हैं। तो प्रोसीजरल मॉडलिंग कुछ सिंपल रूल्स होते हैं इसके, ताकि आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जैसे प्लांट्स वगैरह दिखा सकें। तो माया वगैरह में सब आपको जो 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 आपके 3D ग्राफिक्स वाले सॉफ्टवेयर हैं जो फेमस, उसमें आपको सब ये प्रोसीजर्स मिलेंगे अलग अलग। प्रोग्रेसिव स्कैन क्या होता है? प्रोग्रेसिव स्कैन देखिएगा आप, मैं इसको इस तरीके से बताता हूँ आपको। आप जैसे मैंने आपको 1080i बताया था, वो इसका मतलब इंटरलेस्ड स्कैन है। 1080 अगर आप पी देखते हैं तो इसका मतलब समझिएगा ये प्रोग्रेसिव स्कैन है। प्रोग्रेसिव स्कैन ये तरीका है किस तरीके से आप पेंट करेंगे इमेज को अपने टेलीविजन स्क्रीन में, या दूसरा जो होता है इसके साथ इंटरलेस स्कैन होता है। इंटरलेस स्कैन में क्या होता है कि पहले आपके इवन दिखाई देंगे, फिर इवन, फिर और दिखाई देंगे। प्रोग्रेसिव स्कैन में एक के बाद एक दिखाई देगा,
इसे नॉन इंटरलेस स्कैन भी कहते हैं। ये तरीका है डिस्प्ले करने का, स्टोर करने का, ट्रांसमिट करने का मूविंग इमेज को। हर बार लाइन ऑफ ईच फ्रेम आर ड्रॉन इन सीक्वेंस, एक के बाद एक आता है। तो वीडियो डिस्प्ले मोड जहां पर हर एक स्कैन लाइन, जैसे रो पिक्सल कह रहे हैं, सिक्वेंशली आएगा, उसे हम प्रोग्रेसिव स्कैन कहेंगे। रेडियोसिटी क्या होता है? रेडियोसिटी देखिए, जैसे आप अगर वो देखें, शेडोज देखें जो आपके स्पेकुलर के कारण आ रही है, तो वो जो शेडोज है वो रियलिस्टिक दिखे, उसके लिए रेडियोसिटी है। रेडियोसिटी एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है जो किस पे बेस्ड है, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ लाइट लाइट रिफ्लेक्शन। जो डिफ्यूज सर्फेस है उनमें जो आपस में रिफ्लेक्शन हो रहे हैं उस पर उसके लिए काम करता है। तो आपको अगर जो इमेजेस हैं जो रेडियोसिटी रेंडरर के कारण आ रही है, वो आपको ग्रेजुअल शेडो देंगे, कोई हार्ड शेडो नहीं देंगे। तो रेडियोसिटी टोटल रेडिएशन, साथ में रिफ्लेक्टेड, एमिटेड प्लस रिफ्लेक्टेड दोनों चीज़ें आती हैं इसमें। जो सरफेस से अगर इसका अर्थ समझे ना रेडियोमेट्रिक में, तो रेडियोसिटी का मतलब ये होता है कि टोटल रेडिएशन जिसमें एमिटेड भी है और रिफ्लेक्टेड भी है, एक सर्फेस से निकल के आ रहा है। लेकिन कंप्यूटर ग्राफिक्स में अगर इसकी बात करें तो रेंडरिंग एल्गोरिथम जो आपको एक रियलिस्टिक रेंडरिंग देता है ताकि आप शेडोज दिखा सकें डिफ्यूज लाइट से। तो रेडियोसिटी एक फाइनाइट एलिमेंट मेथड है ताकि आप रेंडरिंग जो सरफेस पे लाइटें टकरा रही हैं डिफ्यूजली उनको दर्शा सकें अच्छे से। तो ये अच्छे से बहुत एक्यूरेटली सिमुलेट करता है प्रोपगेशन ऑफ लाइट एनर्जी थ्रू एन एनवायरमेंट। रेडियोसिटी काम कैसे करता है? जो लाइट आपस में बाउंस हो रही है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में, उनको सिमुलेट करता है। ग्लोबल एलिमिनेशन एल्गोरिथम में अगर आप देखें तो ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मीनिंग इट अकाउंट फॉर द वेज इन विच द लाइट इज ट्रांसफर अमाउंग सरफेस इन दी सीन। ग्लोबल एलिमिनेशन मतलब वो लाइट है, वो प्रकाश जो किसी डायरेक्ट लाइट से नहीं आ रहा लेकिन वहां विद्यमान है, उसके कारण क्या शेडो आएगी वो रेडियोसिटी तय करता है। रास्टर इमेज क्या होती है? रास्टर इमेज एक 2D इमेज जिसमें आपको हॉरिजॉन्टल स्कैन लाइंस मिलेंगी अरेंज इन वर्टिकल रोज। तो डिजिटल रास्टर इमेज जिसमें आपको ये ग्रिड मैट्रिक्स मिल रहा है पिक्सल के फॉर्म में। जो बिटमैप इमेजेस होती है वो रास्टर बेस्ड इमेजेस होती है। अगर आप वेक्टर बेस्ड इमेज को कन्वर्ट करना चाहें इस पिक्सल बेस्ड में या रास्टर इमेज में, तो उसमें रास्टराइजेशन कहते हैं। रे ट्रेसिंग क्या होता है? रे ट्रेसिंग अलग अलग आपके सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ से टकरा रही है लाइट, यहाँ से टकरा रे टकरा रही है, यहाँ टकरा रही है, यहाँ टकरा रही है, फिर मिलेगी आपको स्क्रीन पर। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में रे ट्रेसिंग ऐसी टेक्निक है ताकि आप इमेज जनरेट कर सकें बाय ट्रेसिंग द पाथ ऑफ द लाइट। जो अलग अलग पिक्सल बेस्ड है, तो अलग अलग पिक्सल से टकरा के जो इमेज फ्रेम बन रहा है, इमेज आ रही है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट से टकरा के एनकाउंटर, मतलब इफेक्ट्स ऑफ इट्स एनकाउंटर, उसे टकरा के या उसे एनकाउंटर जब करेगी या उनसे मिलेगी, तो आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के बाद क्या स्क्रीन में मिलने वाला वो रे ट्रेसिंग होता है। काफ़ी एक्सपेंसिव है, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है। तो ये एक तरीका है ग्लोबल एलिमिनेशन का, रेंडरिंग एल्गोरिथम है ये जो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शंस को इमुलेट करता है। इसमें क्या होता है? जो रे ऑफ लाइट्स है जो वर्चुअल कैमरा में आ रही है इधर उधर से टकरा के, वो उसको दर्शाने की बात होती है इसमें। तो हम इसमें करते क्या है, वर्क्स बाय ड्रॉइंग अ रे, हर एक पिक्सल जो रेंडर्ड इमेज है उससे बैकवर्ड हम लेके जाते हैं ताकि ये सरफेस पे, किसी सरफेस पे जाके टकरा सके। तो इसे ही हम फिर अपने इमेज में दर्शा देते हैं। तो ये सरफेस आपका रिफ्लेक्टिव भी हो सकता है, रिफ्लेक्टिव भी हो सकता है, अपने अलग से रेज भी जनरेट हो सकती है, बाउंस भी हो सकती है ताकि वो किसी और सरफेस के साथ इंटरेक्ट करें, तो एडिशनल रेज भी बन सकती है। ये आपका तरीका है ताकि आप जो रे ट्रेस शेडोज भी दिखा सकते हैं इसमें। जो सेकेंडरी रे बाउंसिंग है एक को टकरा के दूसरे से टकरा के जो आ रही है, तो ये क्लियर लाइन ऑफ साइट जो लाइट की है सीन में, वो लाइट कंट्रीब्यूट करती है कलर को भी जो सरफेस पे आ रही है जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वो लाइट। रिफ्लेक्शन मैप क्या होता है? रिफ्लेक्शन मैप ये एक मेथड है ऑफ रेंडरिंग रिफ्लेक्टिव सर्फेस देन दी कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव रे ट्रेसिंग टेक्निक। रे ट्रेसिंग मैंने जैसे अभी आपको पहले बताया कि काफ़ी कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है, उसके लिए हम रिफ्लेक्शन मैप यूज़ करते हैं। तो जो इमेज है उसको मैप करते हैं हम रिफ्लेक्टिव सर्फेस पे। जैसे ऑब्जेक्ट मूव करता है तो रिफ्लेक्शन मैप वो मेंटेन करता है उसका ओरिएंटेशन, किसके हिसाब से? वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, ताकि आपको एक इल्यूजन मिले वो जो सीन का जो रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है उस ऑब्जेक्ट से। तो ये कुछ और हमने क्वेश्चन देखे कंप्यूटर ग्राफिक्स के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।